बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं हैज बिन और हैव बिन। ही शी इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज बिन लगाते हैं, जबकि आई वी यू दे या प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बिन लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। आई हैव बॉट अ हाउस। अ हाउस यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसको ले आएंगे सब्जेक्ट के तौर पे। सबसे पहले अ हाउस सिंगुलर है, लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा has been। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लिहाजा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए फॉर्म को तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पहले से ही थर्ड फॉर्म मौजूद है, लिहाजा बॉट। बाय मी, आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल। अ हाउस हैज बीन बॉट बाय मी। नेक्स्ट, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। द मैच सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। द मैच सिंगुलर है, हैज बीन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद है वॉन, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल। वी सब्जेक्टिव केस और अस ऑब्जेक्टिव केस। द मैच हैज बीन वॉन बाय अस। ही हैज रिटन अ लेटर, उसने एक खत लिखा है। अ लेटर बन जाएगा सब्जेक्ट, सिंगुलर है लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बिन, थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद है रिटर्न, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल। बाय हिम, ही सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा हिम। नेक्स्ट, हैज ही किल्ड द लाइन, Has he killed the lion? सवालिया फिक्रा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा एंड पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में करने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिक्रे के शुरू में लगाते हैं। तो द लाइन यहां पे बनेगा सब्जेक्ट, लिहाजा द लाइन को सामने रखते हुए सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर, तो इसके साथ हैज आता है, लिहाजा हैज आएगा शुरू में। उसके बाद द लाइन और बिन जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, सवालिया फिक्रों में अगर हेल्पिंग वर्ब जो है एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, तो सिर्फ पहले वर्ड को जो है वो फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। हैज द लाइन बिन किल्ड, थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद है, और इसके बाद ही जो है ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो हिम बन जाएगा, तो इससे पहले बाय का इस्तेमाल। बाय हिम, हैज द लाइन बिन किल्ड बाय हिम। नेक्स्ट, व्हाई हैज ही पनिश्ड मी, उसने मुझे सजा क्यों दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है व्हाई, क्यों। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड जो है, सवालिया लफ्ज जो है, वो फिक्रे के बिल्कुल शुरू में आता है, इसके बाद फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आप देखें वाई का इस्तेमाल शुरू में करेंगे, उसके बाद आपने देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी को मद्देनजर रखते हुए आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो आई आ जाता है इसका सब्जेक्ट, लिहाजा इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव। व्हाई हैव आई बीन,
been जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा. और थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद है punished, और he जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस him, तो इससे पहले by का इस्तेमाल, by him. Why have I been punished by him? Next, the clock has struck 5. घड़ियाल ने, क्लॉक ने 5 बजा दिए हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, पैसे वाइज करने के लिए 5 के साथ हम has been लगाएंगे. आप देखें कि अगर 5 के साथ कोई नाउन आ जाए, जैसे 5 बुक्स, 5 चेयर्स, 5 टेबल्स, तो फिर हम इसके साथ लगाते हैं have been. तो यहां टाइम जो है 5 o'clock, 5 बजे का टाइम है, 10 o'clock, जो भी मतलब टाइम आएगा तो उसके साथ फिर हम क्या लगाएंगे, has been लगाएंगे have been की बजाय. तो चूंकि सिर्फ ये टाइम है, 5 has been struck, थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद है, और न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा द क्लॉक, तो इससे पहले बाय का इस्तेमाल, बाय द क्लॉक. 5 has been struck by the clock. Dear students, इसके साथ ही active and passive voice, present perfect tense खत्म होता है. तो next मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.